महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 228 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उससे पहले शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जनसभा में झूठ बोलने और बीजेपी पर बेबुनियादी आरोप लगाकर बदनाम करने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। महाराष्ट्र के चुनाव में 6 नवंबर को जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने फिर झूठ बोलने का प्रयास किया, राज्यों को आपस में लड़ाने का। बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनावी रैलियों में राहुल गांधी बीजेपी पर बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। वो बार बार संविधान खत्म करने को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। संविधान को लहरा करके फिर झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करने वाली है, संविधान को तोड़ने वाली है। बीजेपी ने राहुल गांधी की शिकायत 4 बयानों को लेकर की है, जिसमें संविधान, नौकरी, एजेंसीज पर दिए गए बयान शामिल हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.